जोहार, नमस्कार आदाब। हजारीबाग अपडेट्स देख रहे हैं आप और बारिश के लगातार 24 घंटे से ऊपर हो गए हैं। लगातार जो है झमाझम बारिश हो रही थी और ऐसे में हजारीबाग ही नहीं वरन झारखंड के कई एरियाज में जो है इस तरह से पेड़ गिर गए हैं और लोगों में आवागमन आने जाने में काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। और ये जो एरिया आप देख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से, वो आप देख रहे हैं झील परिसर के बगल में जेल रोड जाता है, वहां पे एक बड़ा सा विशालकाय वृक्ष गिर गया है रात्रि के 10:30 बजे के करीबन। और ऐसे में बिजली के तार की लपेट करके हुए गिर गया, पूरी तरह से देख रहे होंगे बिजली के तार को आगोश में लेकर के गिर गया है। और ऐसे में यहाँ बिजली काट करके बनाई जा रही है। और आपको ये बता दूं कि अगर आप हजारीबाग के पगमिल के एरियाज में हैं, जेल की लाइट्स की बात की जाए या इस पूरे झील एरिया की बात की जाए, इन बाकी बहुत सारी जगहों पे बिजली नहीं है और अभी आने की भी संभावना तब तक नहीं है जब तक ये तार नहीं बन जाता है। आप देखेंगे ये काफी ज्यादा क्षतिग्रस्त हुआ है। यहाँ कुछ लोग भी हमारे साथ है, आने जाने में क्या परेशानी हो रही है, कहाँ जा रहे थे? अभी तो हम एरिया से इधर से निकलते ही चाक जाना था और काफी परेशानी हो रहा है हजारीबाग में। बहुत बड़ा समस्या है बिजली का कि जरा सा भी कुछ पानी वगैरह गिरता है तो यहाँ पे पूरा हजारीबाग में बिजली का बहुत बड़ा समस्या हो जाता है, बहुत लाइट कट जाता है। मानसून आया तो बिजली गई, मानसून आया थोड़ा सा भी आया उसका असर पूरा हजारीबाग को झेलना पड़ता है। बहुत परेशानी होती है सभी को बिजली से, तो आप ही जान रहे हैं काफी परेशानी होती है सभी को, सभी तरह का प्रोग्राम रद्द हो जाता है। बहुत तरह मतलब बिजली से ही टोटली हमारा पूरा सब चलता है पूरा। चलिए बहुत शुक्रिया। तो ये आप देखेंगे तस्वीर, बड़ा सा विशालकाय वृक्ष गिर गया है यहाँ पे और इस विशालकाय वृक्ष जो है ये अपने लपेटे में, और इधर देखेंगे काफी लोग आ करके अब इधर से फिर लौट के भी जाएंगे। कारण है कि ये विशालकाय वृक्ष जो है आवागमन को पूरी तरह से बाधित कर दिया है। और बिजली मिस्त्री है यहाँ पे हमारे साथ में, क्या नाम हुआ? वीरेंद्र कुमार। कब तक हो जाएगा? और सबसे पहले ये बताइए कि जो दर्शक देख रहे हैं कहाँ कहाँ एरिया में अभी बिजली गुल है और कब तक रहना है? ये विशेष है कि कल बारिश हुई तो दिन भर है, सो कल बारिश हुई तो लाइन मेरा चला, लेकिन कल रात में 11-12 बजे की रात में आंधी आने के क्रम में ये पेड़ गिर गया, इसलिए लाइन बाधित हुआ है। हमारे पूरे टीम हजारीबाग में पूरी टीम लगी हुई है, मतलब कि युद्ध स्तर से काम हो रही है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द लाइन चालू कराया जाए। फिर भी अमूमन क्या टाइमिंग दर्शक? अभी ये तो पेड़ गिर गया है इसलिए अभी हम लोग बुला बोल सकते हैं, पेड़ अभी क्लियर क्योंकि पहले पेड़ क्लियर कराना होगा नगर निगम की तरफ से। नगर निगम तो अभी यहाँ पर अभी नहीं आया, नहीं बिजली विभाग के जितने कर्मचारी हैं सब यहाँ पर स्टाफ लोग आए हुए हैं। आप लोगों ने कवर कर दिया है? जी जी जी, ऊपर से ऊपर हमारे एसडीओ साहब जो है हमारे पूरा आदेश है, पूरा वो एक्टिव है, वो अभी लगे हुए हैं काम में। यहाँ बिजली के जितने भी कर्मचारी सब उपस्थित हैं और इस पेड़ को हटाया जाएगा। लाइन मेरा लमसम मतलब मेरा 70% काम हो चुका है, बस 30% है लाइन सिर्फ मेरा, बस पेड़ जो लोजा जाए उसको हटाना है, क्लियर करना है, लाइन मेरा शाम तक चालू हो जाएगा। कौन कौन सा एरिया जहां अभी बिजली बाधित होगा? जैसे जेल में तो लाइट नहीं होगी। एक जेल है, एक नंबर फिटर आपका नूरा है और ओल छड़वा है और ये आपका मेडिकल कॉलेज छड़वा मंडई उस तरफ। जी जी जी, ओल छड़वा होता है वो, अभी मैं तीन को लाइन मंडई हो गया, पगमिल हो गया, ये सब नूरा हो गया, ये सब मेरा अभी कल्लू चौक, यही सब लाइन बाधित है अभी। बाकी लाइन मेरा उधर क्लियर हो गया और शहर में बाकी यही है, सिर्फ यही हम लोग लगता है कि 2-4 घंटा में भी क्लियर हो जाएगा। जी हाँ जी बिल्कुल। क्या नाम हुआ? मेरा वीरेंद्र कुमार, लाइनमैन हुआ मैं। चलिए बहुत शुक्रिया। तो ये तस्वीर आप देख रहे थे, बारिश झमाझम हुई और मॉनसून फिर से दूसरी बार जो है पूरी तरह से ऑल ओवर झारखंड में एक्टिव हो गया है। और आपको एक दफा बता दूं कि झारखंड के अलग अलग एरियाज की बात करें तो सबसे पहले राजधानी जो है वो जबान पे आती है। अब रांची राजधानी की अगर बात की जाए तो वहां पे एनडीआरएफ की टीम जो है वो बोट उतार करके और कई लोग जो फंस गए थे बारिश में उनको निकाल रही थी। लगातार तस्वीरों के माध्यम से आप देखते होंगे न्यूज वगैरह में, और साथ ही साथ जो है बाकी और एरियाज में लोगों के घरों में पानी घुस जा रहा है। कई जगह इस तरह से आप देखेंगे विशालकाय वृक्ष हो गए वो गिर जा रहे हैं क्योंकि बिल्कुल जड़ जो है इन लोगों का पानी रिश्ते रिश्ते इस तरह से हो जाता है कि वो फिर भार इतने बड़े वृक्ष का नहीं संभाल पाता है। और चूंकि बिजली के तार उसमें उलझे हुए होते हैं और कहीं ना कहीं आप सब इस बात को भलीभांति समझते हैं कि अगर मानसून के पहले इस तरह से पूरे जगहों को अंकित करके और छटा
कटाई कर दी जाए और जहां जहां सूखे वृक्ष हैं, पूरी तरह से सूखे वृक्ष जिनका कोई यूज नहीं होता है, जहां कई जगह पे आप खबर पे हजारीबाग अपडेट्स पे भी आपने खबरों के माध्यम से देखी अलग अलग जगह में जो है सूखे वृक्ष हैं, उन जगहों को भी हजारीबाग नैन्सी सहाय डीसी जो है उनकी भी बात आपने सुनी कि ये विभाग जो है वृक्ष ये वन विभाग और नगर निगम को सौंपा गया है और अलग अलग एरियाज को भी अब चिन्हित करके और वहां से अब धीरे धीरे जो सूखे पेड़ हैं उनका भी जो भी क्रमानुसार चीजों को हटाया जा रहा है और उसके अतिरिक्त इस तरह से जो ताजे वृक्ष हैं बिल्कुल ये इतने विशालकाय हो जाते हैं कि मानसून एक्टिव होते ही ये झेल नहीं पाते बारिश और अभी आप देखेंगे दूसरी दफा मानसून एक्टिव हुआ और ये पहली 24 घंटे की बारिश भी नहीं झेल पाया और ये एरिया आप देख रहे हैं जेल रोड का एरिया है, यहाँ पे विशालकाय वृक्ष गिर गया है और किस तरह से बाधित हुई आप तस्वीरों में उस तरफ देखेंगे, उस तरफ के लोग इस तरफ नहीं आ पा रहे हैं और इस तरफ के लोग जो है उस तरफ नहीं आ पा रहे, अभी कुछ महिलाएं भी देख रहे हैं आ रही हैं इस तरफ और देखेंगे वो कितनी मशक्कत के बाद जो है आ रही है इस तरफ, क्या नजारा है उस तरफ का, हम लोग तो उस तरफ जा ही नहीं पा रहे, काफी परेशानी हो जा रही है ना ये वृक्ष गिरने से परेशानी हो जा रही है, क्या उधर के लोग तो इधर ही नहीं आ पा रहे, देख रहे हैं आप उधर गाड़ी जो है वो घूम जा रही है, बहुत परेशानी हो रही है क्या? नहीं ज्यादा परेशानी, ज्यादा परेशानी नहीं है लेकिन पैदल लोगों को निकल जाएगी तो परेशानी खत्म हो जाएगा और बिजली के तार देखेंगे आप इसमें बिल्कुल लटपटाए हुए हैं, बिजली के तार उलझे हुए हैं और ऐसे में बिजली के तार के लिए पूरी सुविधा यहाँ देखेंगे आप, टीम जो है बिजली विभाग की तरफ से लाइन मैन जो है वीरेंद्र जी वो लोग सब बिल्कुल तैनात है यहाँ पे, आप देखेंगे वो पूरे बिजली के तार को लगभग जो है इन्होंने कहा 70% तक काम हो गया है और जिन भी एरियाज को इन्होंने बताया जैसे कि छड़वा की तरफ मंडई हो गया, नूरा हो गया या जेल का जो एरिया है या आसपास के जेल का एरिया है, झील का इलाका है, इन जगहों पर जो बिजली बाधित हुई है संभावना है कि नगर निगम को खबर हो गई हो और ऐसे में जब नगर निगम यहां आती है पेड़ जब हट जाएगा यहां से तो आवागमन भी जो बाधित है पूरी तरह से वो आवागमन भी ठीक हो जाएगा और साथ ही साथ जो बिजली के तार उसमें उलझे हुए हैं बिजली मैन वगैरह लाइन मैन वगैरह जो है बिजली के तार को फिर जगह पे लगा करके और बिजली भी इन लोगों ने संभावना जताई है कि 3-4-5 घंटे के अंदर बिजली भी आ जाएगी। हालांकि ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं, आपके अपने एरिया में मॉनसून के क्या हालात हैं और एक बार गुजारिश है हजारीबाग अपडेट्स की तरफ से कि जहां पे भी आपके अपने घर पे भी अगर कोई छज्जा या कोई भी एरिया जर्जर स्थिति में है तो वहां से बच्चों को, बुजुर्गों को और खुद आप भी अपना ख्याल रखें, वहां से दूर रहें और ऐसे मॉनसून के वक्त में बाहर तभी निकले, हालांकि आपको पता है कि आज जो है निजी स्कूल हो या फिर सरकारी स्कूल हो स्कूल्स बंद हैं केजी कक्षा से लेकर के 12वीं तक और ऐसे देखेंगे आप ऑटो वगैरह आ तो रहे हैं, अच्छा सामान आया है, ये बिजली का सामान आ गया है यहाँ पे और ऐसे में बिजली का सामान आप देखेंगे ये आप लाइव देख रहे हैं हजारीबाग अपडेट्स पे, बिजली का सामान भी आ गया है और अब जो है युद्ध स्तर पर काम लगातार चल रही है। अब ऐसे में कुछ चाची भी हम लोगों के पास यहाँ आ रही है, उनसे भी हम लोग बात करेंगे, ये पेड़वा गिर गया चाची पार कैसे होइएगा, पेड़ गिर गया, बिजली बोर्ड जो है हम लोग संवेदक है, बिजली बोर्ड का ठेकेदार है, बिजली बोर्ड तत्पर अपने काम पे लगे हुआ है, हम लोग रात 10:20 से लगे हुए हैं जिसमें टाउन का बहुत सब पोजीशन है, जैसे कारगिल वगैरह चालू हो गया है, संत कोलंबस फीटर चालू हो गया है, आपका पचमंदिर चालू हो गया है, जितने भी एरिया जो पॉपुलेशन एरिया है उसको चालू कर दिया गया है, ये सब आनंदा चौक वगैरह चालू है, सदर हॉस्पिटल चालू है, अभी एक नंबर में कुछ ही पोजिशन है जो बचा हुआ है, जैसे कि आपका पगमल हो गया, लोसिंघना हो गया, कुलघट्टी हो गया, ये सेंट्रल जेल हो गया, मंडय हो गया, यही इस लाइन से 3 फीडर है, तीनों जगह में कुछ एरिया जो है बाधित है जिसको हमने 4 से 4:30 बजे तक चालू कर दिया जाएगा। बड़ा भरोसा से लोग जो हैं आप लोगों की तरफ देख रहे हैं, बस सामान हम लोगों को मिल गया है, सभी अफसर जो है एकदम रात दिन पानी में भींग करके भी काम कर रहे हैं और पूरे के पूरे टीम बिजली विभाग अपने आप में लगे हुए हैं अपने जोरों खरोश के साथ और हमें उम्मीद और आशा है कि 4 बजते हुए हम लोग लाइन बहाल कर देंगे। चलिए बहुत शुक्रिया, क्या नाम हुआ आपका? शमशेर आलम। चलिए शमशेर जी शुक्रिया, चाची गिर गया है पेड़, जाने आने में तो दिक्कत हो रही होगी? हाँ दीदी, कहाँ घर हुआ? बरही तरफ। अच्छा बरही के तरफ घर है? हाँ। यहाँ किसी काम से आए हैं? जेल के पास आए। चलिए बहुत शुक्रिया आपका। तो आप देखेंगे कि जो पेड़ गिरा हुआ है उसको लेकर के बिजली के तार जो हैं आपस में उलझ करके साथ में गिर गए, लेकिन अब बिजली विभाग के जो भी लोग हैं, ठेकेदार हैं, लाइन मैन हैं, ये सभी पूरी तरह से मुस्तैद हैं और ऐसे में जो है देखेंगे सामान भी इस तरफ आ गया है और अब युद्ध स्तर पे काम लगातार हो रहा है और ऐसे में जिन भी एरियाज में
बिजली नहीं आई है, उन एरियाज में बिजली भी आ जाएंगी। एक बार फिर से गुजारिश है, जर्जर एरिया में न जाएं, खुद को संभाल के रखें, सतर्कता बरतें। और आज आपको बता रही थी कि केजी और ट्वेल्थ क्लास तक के जितने भी स्कूल हैं और जितने भी कर्मी हैं स्कूल्स के, उन लोगों को स्कूल नहीं जाना था आज। और ऐसे में जो है वो पाबंदियां लगाई गई हैं मॉनसून को लेकर के। हजारीबाग डीसी नैन्सी सहाय का आदेश कल रात्रि में ही आया था झारखंड सरकार के मुताबिक। और ऐसे में जो है ये कुछ कुछ एरियाज जहां से भी आप देख रहे हैं वीडियो को, कमेंट करें आपके अपने एरिया में मॉनसून किस तरह से अग्रसर हुआ है, आपके अपने खेत में रुपाई हो रही है या नहीं, किसान खुश है या नहीं, या जो परेशानी है सड़कें बहुत ज्यादा लबालब पानी से बिल्कुल भर गई हैं जिस एरियाज में, वो सभी चीजें हमें कमेंट करें। हम लोग कोशिश करेंगे वहां जाकर के तस्वीरों को दिखाने की। शुक्रिया।